हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल की बातें और आप हैं ज्योति के साथ। तो कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल है? आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आप मेरे लगातार वीडियोज़ को देख सकें। तो आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल है, महिलाओं के लिए स्पेशल है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। आज हम बात करेंगे थायराइड आती हैं जो लक्षण होते हैं, जिन लक्षणों को हम देख के पहचान सकते हैं कि क्या हम थायराइड के पेशेंट तो नहीं है। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि देखो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, हाँ मैं थायराइड की एक पेशेंट हूँ। तो मुझे पिछले छः सालों से मुझे थायराइड है, तो मैं बता सकती हूँ क्योंकि अब मैं पेशेंट हूँ, रेगुलर मेडिसिन ले रही हूँ और डॉक्टर से चेकअप, बातें, थोड़ा पढ़ा, रिसर्च किया। तो उस आधार पर मैं आपको 7 ऐसे लक्षण बताऊँगी जिनको देख के आप जो है ये जान सकते हैं या सोच सकते हैं कि कहीं आपको थायराइड तो नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, आज की भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी में और बदलती लाइफ स्टाइल में हम बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनमें से एक थायराइड भी है। हम थायराइड को इतना जो है बहुत ज़्यादा वैसे गंभीरता वाली बीमारी में नहीं लेते हैं, बहुत कैजुअल लेते हैं। जो अमेरिका का थायराइड एसोसिएशन है, उसकी एक रिसर्च के अनुसार कम से कम 20 मिलियन अमेरिकी जो है थायराइड से जो है ग्रसित हैं, बट 60% ऐसे हैं उन 20 मिलियन में से जिनको पता ही नहीं है कि ये एक समस्या भी है। थायराइड जो है हमारी गर्दन के नीचे का जो ग्लैंड होता है उसमें होता है। अगर ये ग्लैंड में कोई समस्या आ जाए या विकृत हो जाए, अपने जो काम उसका होता है उसको वो जो है ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो इट मीन्स कि आपको थायराइड हो रहा है। ये लोग कैजुअल लेते हैं, लेकिन इसे कैजुअली लेना नहीं चाहिए। इससे बहुत सारी हमारी शारीरिक जो है समस्याएं आ जाती हैं, कभी कभी ये हमारे लिए जानलेवा भी हो जाता है। तो इसे कैजुअली नहीं लेना चाहिए और महिलाएं इसे बहुत कैजुअली ले लेती हैं। महिलाएं अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देती हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारियों, बच्चों, इन सब में वो ये भूल जाती हैं कि उनका स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है उनके परिवार के लिए और उनके खुद के लिए, तो उनको ध्यान देना चाहिए। तो मैं आज महिलाओं को ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप में ये 7 लक्षण दिख रहे हैं तो प्लीज़ आप डॉक्टर से अपना थायराइड का चेकअप ज़रूर कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं कि थायराइड के कौन कौन से लक्षण हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला लक्षण है वो है थकान महसूस करना। आप देखते हैं कि जो कभी कभी हम हमारे रूटीन में जो काम होते हैं, जैसे घर के जो काम होते हैं, हम वो बहुत ही एफर्टलेसली कर लेते हैं क्योंकि वो हमारे रूटीन में आते हैं। लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करने लग रही हैं, जब आपको लगने लगे कि अरे ये काम तो मैं मिनटों में कर लेती थी लेकिन अब तो मैं इसको करने में बहुत थक जाती हूँ, तो ये एक कारण हो सकता है आपके थायराइड पेशेंट होने का। तो अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि छोटे छोटे कामों से भी आप थके जा रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करें। दूसरा लक्षण है वजन का तेजी से बढ़ना या घटना। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो है वजन या वेट बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ रहा है या आपका वेट बहुत जल्दी जल्दी घट रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है थायराइड होने का। थायराइड जब होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि वजन बहुत तेज़ी से घटने लगता है या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो अगर आप में भी ऐसा कोई लक्षण दिख रहा है तो आप अपना जो है चेकअप ज़रूर कराएँ, थायराइड का टेस्ट ले लें और कंफर्म कर लें कि कहीं आप उसके पेशेंट तो नहीं होने जा रहे हैं। थर्ड लक्षण है चिड़चिड़ापन या मूड खराब होना। देखिए, कभी कभी मूड तो सभी का खराब हो जाता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात है, लेकिन अधिकतर बिना बात के, बिना किसी वजह के अगर आप चिड़चिड़ाने लगे, आपका मूड बार बार खराब होने लगे, आपके मूड स्विंग्स होने लगे या आपको डिप्रेशन जैसा लगने लगे, तो ये भी एक लक्षण है कि आप थायराइड के पेशेंट हैं। ये जो है एक बहुत बड़ा लक्षण है। तो प्लीज़ अगर ऐसा कोई लक्षण है तो बिल्कुल देर ना करें
और जाएं और अपना थायराइड का टेस्ट करवाएं। चौथा लक्षण है आपके बालों का ड्राई होना, झड़ना और टूटना। अगर आपके बाल बहुत अच्छे हैं और कभी ऐसी प्रॉब्लम आपने फेस नहीं की है कि आपके बालों में बहुत अधिक मात्रा में बाल झड़ने लगे हों या टूटने लगे हों या बहुत ड्राई बेजान हो रहे हैं और आपको ये लगने लगे कि अरे कभी नहीं हुआ और अब हो रहा है, तो इट मीन्स कि हो सकता है कि आप थायराइड की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हों और आपको पता ही ना हो कि आपके बालों के झड़ने या उनके ड्राई होने का लक्षण या कारण जो है वो थायराइड हो सकता है। तो अगर आपके अंदर ये लक्षण भी है तो भी आपको टेस्ट कराना ही चाहिए थायराइड का। पांचवा लक्षण है कि आँखों में जलन, इरिटेशन, पानी आना या फिर ड्राइनेस। अगर आपकी आँखों में जलन होने लग रही है, खुजली होती है, इरिटेशन होती है, पानी आता है, तो ये भी एक थायराइड का लक्षण है। तो अगर ऐसी कोई समस्या है तो एक बार चेकअप लेने में क्या हर्ज है, एक चेकअप ले लीजिए थायराइड का। नेक्स्ट लक्षण जो है वो है यूरिन की आदतों में बदलाव। अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा टॉयलेट में जाना पड़ता है या बार बार पेशाब आता है तो ये भी एक लक्षण है कि जो है आपको कहीं थायराइड तो नहीं हो रहा है। तो आप अगर इस तरीके की कोई भी लक्षण अपनी बॉडी में देख रहे हैं तो प्लीज़ एक थायराइड का जो है टेस्ट करवा ही लें। पीरियड्स होना बहुत ही अच्छे लक्षण है, अच्छी सेहत की निशानी है, लेकिन अगर आपके पीरियड्स में कुछ बदलाव आने लगे, कम ज़्यादा होने लगे या स्किप करने लग जाए, यानी कि मान लीजिए इस महीने आया, दो महीने नहीं आया, तो भी आप जो है इसको एक लक्षण मान सकते हैं थायराइड का। तो अगर आप ऐसे कोई भी सिम्टम आपको दिख रहा है कि आपकी जो है यूरिन में, पीरियड्स में कुछ बदलाव आ रहे हैं या आपका बहुत थकान महसूस हो रही है, थायराइड में जो सबसे ज़्यादा मेन जो होता है प्रॉब्लम वो यही होता है कि सबसे पहले तो आपके वज़न पे ये प्रभाव डालता है, या तो बढ़ता है या तो घटता है। दूसरा ये है कि आपको बहुत थकान महसूस होती है, और तीसरा जो मेन लक्षण ये है कि आप चिड़चिड़े, डिप्रेसिव और बहुत ही आपके मूड स्विंग्स होने लगते हैं। तो ये मेजर हैं और बाकी के सारे ये जो लक्षण हैं बाद के वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी थायराइड का उतना ही है, लेकिन ये तीन चीज़ें बहुत जल्दी सामने आ जाती हैं जो मैंने पहले आपको बताया। तो ये थे कुछ लक्षण थायराइड होने के। आई होप कि जो है ये वीडियो आपकी बहुत ही हेल्प करेगा, और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई दो चार लक्षण आपकी बॉडी में हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो प्लीज़ अपनी हेल्थ से खिलवाड़ ना करें और एक चेकअप थायराइड का ज़रूर करवा लें। अगर भगवान ना करे अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका जो है एक टैबलेट लेनी होती है मॉर्निंग में थायराइड के लिए, तो वो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देंगे कि आपको कितनी एमजी की लेनी है, कैसे लेनी है। तो आप अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें और जो है चेकअप ज़रूर ले लें। आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, तो लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिएगा और खूब खुश रहिएगा।